दोस्तों वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियल क्राइसिस तो फेस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों नए नए स्टोर्स खोल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन, गीगानेट 4G का एक्सपेंशन कर रहा है। दोस्तों जैसे तैसे वो अपने नेटवर्क को पावरफुल बनाना चाहता है। दोस्तों आज बड़ी खबर निकल गई है, जहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा मेरे खुद के गाँव में। दोस्तों राजस्थान के छोटे से गाँव में VI ने कमाल कर दिया है, जियो एयरटेल जैसी कंपनी को यहाँ पे पछाड़ दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पे VI ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर अपने नेटवर्क को इम्प्रूव किया है। गीगानेट 4G का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, राजस्थान के कुछ कुछ जगह में। दोस्तों यहां पे लाइव डेमो के साथ आपको बताऊंगा। तो क्या है दोस्तों VI गीगानेट का एक्सपेंशन, किस तरह से पूरे भारत को दोस्तों ये पावरफुल 4G कनेक्टिविटी और फिर 5G से कनेक्ट करेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नो नील। फिलहाल दोस्तों आप सभी जा रहे हैं, एक तरफ जियो और एयरटेल 5G लॉन्च कर रहे हैं, VI का 5G दोस्तों ट्रायल्स में तो सबसे बेस्ट था, लेकिन फिलहाल 5G लॉन्च किया, अभी तक लॉन्च नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। जैसे ही दोस्तों फंडिंग मिलेगा, सरकार यहां पे इक्विटी कन्वर्ट करेगी, जैसे तैसे VI दोस्तों अपना 5G भी लॉन्च करना शुरू कर देगा, लेकिन फिलहाल उसका फोकस है अपने गीगानेट 4G को एक्सपांड करने के लिए। इसलिए दोस्तों वो बहुत स्पीड से पूरे भारत में अपना गीगानेट 4G लगाने में जुटा हुआ है। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें तो तेलंगाना और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पे गीगानेट 4G 1100 साइट्स में 1800 मेगाहर्ट्ज का दोस्तों बैंड यहां पे यूज किया गया है, और 1100 साइट्स, ये दो स्टेट के अंदर 1100 साइट्स को दोस्तों गीगानेट 4G में अपग्रेड कर दिया गया। आप देख सकते हैं 11,000 साइट्स वोडाफोन आइडिया डिप्लॉयज एडिशनल 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड एट 11,000 साइट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। है दोस्तों 1800 मेगाहर्ट्ज का एक्स्ट्रा बैंड यहां पे यूटिलाइज कर रहा है यहां पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। दोस्तों इसमें लोकेशन दोस्तों यहां पे बहुत सारी बता दूं आपको, यहां पे जहां पे पहले से ज्यादा आपको पावरफुल साइट्स देखने को मिलेगी। खास करके बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया 660 नई साइट्स 208 की यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग 6201 साइट्स हुआ करती थी दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे कर दिए, खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात चली है। टोटल दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 11,000 साइट्स दोस्तों यहाँ पे की गई है, 11,000 साइट्स, जिसके हिसाब से दोस्तों इनका नेटवर्क बहुत पावरफुल हो चुका है। पहले से डबल स्पीड आपको गीगानेट 4G के अंदर देखने को मिलने वाली है। VI दोस्तों यहाँ पे जो है उसके दोस्तों क्लस्टर बिजनेस हेड जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के और कर्नाटक के मिस्टर सिद्धार्थ जैन बता रहे कि हमें खुशी हो रही है कि हम हमारे नेटवर्क को यहाँ पे एक्सपांड करें, हमने गीगानेट 4G यहाँ पे लॉन्च किया है, अब आपको यहाँ पे पहले से ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। 11,000 साइट्स पे दोस्तों यहाँ पे VI ने अपने 1800 मेगाहर्ट्ज को यहाँ पे बैंड को यहाँ पे यूटिलाइज किया, उसके साथ साथ 2500 मेगाहर्ट्ज को भी दोस्तों यहाँ पे 3000 साइट्स पे दोस्तों एनहांस गीगानेट 4G के लिए यहाँ पे दिया है आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर। तो फिलहाल VI अपने गीगानेट 4G जो एग्जिस्टिंग 4G उसको और पावरफुल दोस्तों दर्जे पे लेके जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज जिसका अनाउंसमेंट VI ने नहीं किया, लेकिन जिसको मैं यहां पे चख चुका हूं मेरे गांव में दोस्तों, यस मेरे गांव में, कल ही मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था लाइव में, मेरे राजस्थान के छोटे से गांव के अंदर दोस्तों, जहां पे आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले जब मैं गांव में गया था तो 1 MBPS की स्पीड आती थी, वो भी नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों यहां पे 70-80 MBPS तक की स्पीड आती, गीगानेट 4G आ चुका है। इससे मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि VI कितना पावरफुल है छोटे छोटे गांव के अंदर। दोस्तों फिलहाल मैं मेरे गांव में हूं और गांव के मज़े ले रहा हूं, और लास्ट टाइम जब मैं गांव में आया था आज से 6 महीने पहले तो वोडाफोन आइडिया के टावर कुछ खास नहीं थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टावर दिख रहे हैं आपको, दो बड़े टावर यहां पे हैं। जियो का एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा था, लेकिन वोडाफोन आइडिया के टावर अच्छे नहीं थे, तो मैंने एपिलेट में कंप्लेन की थी पूना में, और उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। इस बार जब मैं गाँव आया दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला, और VI का नेटवर्क काफ़ी अच्छा आ रहा था। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ मेरे OnePlus 6T के अंदर, यहाँ पे बैठते हैं तो आप पीछे देखेंगे, मेरे एग्जैक्टली पीछे आपको दो टावर नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं दो टावर एग्जैक्टली। इसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ, आप पीछे देख सकते हैं दो टावर हैं यहाँ पे। जियो और एयरटेल के काफ़ी अच्छा नेटवर्क यहाँ पे आता था, लेकिन वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क अच्छा नहीं था। इस बार मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को यूज़ किया, और शॉकिंग ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया, और मेरे गांव में जहां पे इनकी स्पीड 1 MBPS भी नहीं आती थी डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड तो 10-12 MBPS आ जाती थी 6 महीने पहले, लेकिन आज VI ने गीगानेट का दोस्तों यहां पे एक्सपेंशन किया और चीज़ें दिख रही है 20 से लेकर 40-50 MBPS तक की स्पीड यहां पे निकल के आती है। मैं आपको लाइव यहां पे टेस्ट करके दिखाता हूं, जिससे आपको पता चले किस हिसाब से इन्होंने VI वालों ने अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन राजस्थान में किया है, और धीरे धीरे कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही है। अब यहाँ पे आप सामने मेरे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, शायद आपको नजर आए। और यहाँ पे VI का आप देख सकते हो दोस्तों स्पीड टेस्ट यहाँ पे शुरू हो चुका है, शायद आपको नजर आ रहा हो,
देखिए स्पीड जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आती है यहाँ पे। मैं अब थोड़ा पास ले जाता हूँ शायद तक आपको, यहाँ पे दिन की लाइटिंग है। ये ऑलमोस्ट 58 Mbps की स्पीड है, देख सकते हैं 58 Mbps की डाउनलोड स्पीड निकल के आई है, नज़र आ रही होगी शायद तक आपको। और अपलोड स्पीड नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 15-15 Mbps की अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं, 58 Mbps, 60 Mbps, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये 4G की बात कर रहा हूँ, 5G की बात नहीं कर रहा मैं अभी। अभी हमारे गांव में 5G लॉन्च नहीं हुआ है फिलहाल, ना जियो का ना एयरटेल का, लेकिन यहाँ पे VI ने अपने नेटवर्क एक्सपेंशन किया है। और मैं आपको फिर से एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से स्पीड टेस्ट करेंगे। ये राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हमारा गाँव पड़ता है, और यहाँ पर स्पीड देखिए आपके सामने स्पीड है, और काफ़ी तगड़ी स्पीड है। देखें ग्राफ कैसे भाग रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे ले जाके दिखाता हूँ आपको, अंधेरे में दिखेगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी ग्लोसी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पीड नज़र आ रही है आपको। स्पीड टेस्ट होने के बाद मैं स्पीड टेस्ट का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। आपके सामने आप देख सकते हैं अपलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बता दूँ मेरे अहमदाबाद सिटी के अंदर ये स्पीड नहीं है, अहमदाबाद सिटी में 5 Mbps की स्पीड देता है, और यहाँ पे 45 Mbps की स्पीड निकल गई है सेकंड टेस्ट के अंदर, और ऑलमोस्ट 25-26 Mbps की अपलोड स्पीड है। एक बार फिर से करते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तीन बार में चीज़ें एवरेज पता चल जाती है। अब तीसरी बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और स्पीड वैसे ही काटा भागा है, और 40 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद तक आपको उल्टा नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन देखेंगे बहुत तगड़ी स्पीड फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। 4G की बात कर रहा हूँ, और भी ग्रामीण विस्तार में इस बार मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई VI का नेटवर्क यूज़ करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फाइबर यूज़ कर रहा हूँ मेरे अहमदाबाद सिटी के अंदर, वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 50 Mbps की डाउनलोड और ऑलमोस्ट इतनी स्पीड अपलोड मिलती है 20-25 की। अब देख सकते हैं अपलोड स्पीड यहाँ पे मिली 22 Mbps और 63 Mbps की मिली है पहली बार में, ऑलमोस्ट 58 Mbps, दूसरे में 45 Mbps, और तीसरे में 63 Mbps, मतलब ये ऑलमोस्ट 60-70 Mbps मैक्सिमम यहाँ पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। पीछे टावर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 60-70 Mbps जाता है, और मिनिमम जो है 20-25 Mbps की स्पीड तो मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो एक बड़ा 200 चेंजेस यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने किया है, नेटवर्क अपग्रेडेशन किया है, गीगानेट 4G फिलहाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे गांव के अंदर। कंप्लेंट 6 महीने पहले की थी, लेकिन आज दोस्तों रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, VI सुनता है लोगों की, और फिलहाल मैं ये बोलूँगा कि VI ने अपना काम किया है, जस्टिफाई किया अपनी स्पीड को, जस्टिफाई किया। जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं VI, हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं, तो VI डूइंग गुड जॉब। और अभी फिलहाल ग्रामीण विस्तार में भी VI ने अपने नेटवर्क का एक्सपेंशन किया है, और अच्छा खासा स्पेक्ट्रम यूटिलाइज करके स्पीड दे रहा है। आपके सामने आप देख सकते हैं 200 टावर, और यहाँ पे मुझे स्पीड मिल रही है बहुत ही तगड़ी, ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर दूर टावर है, बढ़िया स्पीड है, मक्खन जैसी है, कोई फाइबर की जरूरत नहीं है। VI इज डूइंग गुड जॉब, और एयरटेल और जियो से इसलिए अच्छा है क्योंकि नाइट में अनलिमिटेड मिलता है, VI का डेटा सस्ता पड़ता है, वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलता है मुझे यहाँ पे, इसलिए मेरा इजीली काम यहाँ पे चल गया पूरे गांव में मेरा काम। तो दोस्तों आपने देखा कि किस नया पावरफुल दोस्तों नेटवर्क मिल रहा है। एक कंप्लेन मैंने की थी दोस्तों यहाँ पे आज से कुछ महीनों पहले, 6-8 महीने पहले जब गांव गया था, लेकिन आज दोस्तों उसका रिजल्ट्स देखने को मिला मेरे गांव के अंदर, और तगड़ी स्पीड गीगानेट 4G रहा, मुझे बिल्कुल भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं, मैं बड़े आराम से मेरा काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ। उतनी तगड़ी स्पीड डाउनलोड और अपलोड, दोस्तों अपलोड में तो बेहतरीन है जियो एयरटेल से, लेकिन अब डाउनलोड में भी दोस्तों छोटे छोटे गाँव के अंदर VI अपने पावरफुल 4G से यहाँ पर धूम मचा रहा है। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको VI का नेटवर्क कैसा मिल रहा है। दोस्तों VI बहुत स्पीड से पूरे भारत में अपना गीगानेट 4G का एक्सपेंशन कर रहा है, मुझे बताइए क्या VI अपने गीगानेट 4G से जियो एयरटेल के 5G को टक्कर दे पाएगा, नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लिखा थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।